तो देखिए सभी स्टूडेंट, आज हम पुनः दोबारा लेकिन दूसरे उसमें बोर्ड पे ना, हम इसको सॉल्व करते हुए अब आज से हम आपको इस बुक्स में, मतलब जो कॉपी दी गई है, इसमें हम आपको एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो जी आप व्यू के हमने आपको पहले वो बता दिए थे, फार्मूले लिखवा दिए थे, इसके पहले जो वीडियो आपका आया था उसमें सब आप व्यू के प्रकार, आप व्यू किसे कहते हैं, कैसे इसमें आप व्यू के क्वेश्चन सॉल्व करना थे। अब जो हम आपको एक्सरसाइज, आप व्यू की फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, ये आप व्यू है, इसमें एक्सरसाइज 3.1 जी आपका पहला क्वेश्चन है आप व्यू का, इसको हम आपको सॉल्व करके बता रहे हैं कैसे हम आपको सॉल्व करना है। तो इस प्रकार से जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं, आपको मोस्ट मोस्ट क्वेश्चन सीधे आपको बताएंगे। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है इसका कि A=, जो हमारा मैट्रिक्स दिया गया है, इस मैट्रिक्स में हमें क्या करना है, पहला नंबर वगैरह फाइंड कीजिए, ज्ञात करना है, आप व्यू की कोटि निकालना है। आप व्यू कोटि के बाद निकालना है सी से, हमें आप व्यू की संख्या भी ज्ञात करनी है और फिर हमारे अवयव ज्ञात करना है। वो अवयव हम आपको लिखेंगे कौन कौन से अवयव हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें आप व्यू की कोटि ज्ञात करने के लिए नंबर ए में, इसमें देखिए कैसे आप व्यू की कोटि निकालना है। तो इसमें देखिए आप व्यू की कोटि बराबर, देखो इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो कोटि में हमने आपको क्या बताया था कि जितने इस हमारे जो मैट्रिक्स दिया गया इसमें कितने पंक्तियां हैं, रो कितनी है जी, आपको देखना पहले रो। तो देखो फर्स्ट रो, ये सेकंड रो दी गई है, ये थर्ड रो, मतलब तीन आपकी रो दी गई हैं, ठीक है। और कॉलम देखिए आपको, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड और फोर्थ, मतलब इसमें थ्री हमारे क्या है, हमारे रो है, और फोर क्या है, हमारे कॉलम है। इस प्रकार से मतलब पहले आपको आपको लिखना है पंक्तियों की संख्या, फिर स्तंभों की संख्या। तो इस प्रकार से आप व्यू की कोटि क्या है, 3×4, मतलब 3×4 कोटि का जो क्या दिया गया हमें आप व्यू। तो आपका जो पहले का आंसर इस प्रकार से सॉल्व करना है, ठीक है। अब भी नंबर आपको क्या निकालना है, आप व्यूओं की संख्या निकालना है। अब देखिए आप व्यूओं की संख्या कैसे निकालेंगे हम, तो संख्या में क्या होता है, संख्या के लिए जो आपकी जो कोटि आई है ऊपर पहले में हमने निकाला है उसका आपको गुणा कराना है केवल। तो आप व्यूओं की संख्या 3×4=12, इसमें कितने संख्या है आप व्यू की, मतलब इसमें अवयवों की संख्या पूछी, जैसे आपको गिनना नहीं है, केवल पंक्ति स्तंभ गिनना। देखो इसमें अवयव कितने हैं, जितनी हमारे 1, 2, 3, और 3 रो है, 4 का कॉलम है, 3×4 इसमें 12, इसके अंदर अवयव, तो 12 अवयव है इसके अंदर। तो जी हमारा इसका आंसर हो जाए आप व्यूओं की संख्या का, ठीक है। अब देखिए अब हमें क्या करना है, पहले नंबर सी में इसका निकालना है कि इसके अवयव निकालना है। अवयव के किस प्रकार से हमें निकालना, देखिए इसमें दिया गया है A13, इसका A13 का एलिमेंट कौन है जी, हमें इससे छांटना है। तो वन का मतलब जो इसमें पहले वन आया है जी, तो इसका मतलब होता है इसमें रो, जो रो की संख्या दी गई है पहली पंक्ति, तो पहली पंक्ति का कौन सा हमें अवयव लेना है, पहली पंक्ति का हमें तीसरा अवयव लेना है स्तंभ का। तो देखिए इसमें जो जी हमारी दी गई है, ये रो फर्स्ट है जी, और इसका कॉलम कौन सा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब इस रो का और थर्ड कॉलम का, फर्स्ट रो का और थर्ड कॉलम का कौन आपका, जी देखिए आपका जी है जी, फर्स्ट हमारी रो है और जी हमारा थर्ड क्या है, कॉलम, तो जी हमारा आएगा, तो इसमें कितना आएगा 19। तो 19 क्या है, 13, मतलब पहले पंक्ति का और तीसरे स्तंभ का अवयव क्या रखा है हमारा, 19 दिया गया है। अब देखिए और भी इसमें निकालना है A21, इसी प्रकार से आगे निकालते जाएंगे। 2-1 का क्या आएगा, अब 2-1 में क्या है, देखो पहले आपको जी क्या है पंक्तियों की संख्या, तो दूसरी पंक्ति का हमें लेना है, और स्तंभ कौन सा है, पहले स्तंभ का। तो देखो इसमें ये पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, और स्तंभ कौन है, पहला, तो जी क्या है दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का क्या है जी, हमारा एलिमेंट दिया गया 35, तो हमारा जी क्या आ जाएगा इसका, 35 हो जाएगा। इस प्रकार से जो हमें दिए गए हैं वो आपको फाइंड करने हैं। तो इस प्रकार से और भी आप निकाल सकते, देखिए और दिया गया इसमें एक क्वेश्चन में दे दिया गया आपको, ज्ञात कीजिए 3-3 भी ज्ञात करना, तो 3-3 का मतलब थर्ड कॉलम और थर्ड इसमें क्या है, रो, और थर्ड कॉलम का एलिमेंट देखिए फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये थर्ड हमारी क्या है, रो है, और क्या है फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड कॉलम है, तो इस थर्ड रो का और थर्ड कॉलम का एलिमेंट क्या है हमारा, जी है -5। तो इस प्रकार से ये -5 हमारा हो गया। तो इस प्रकार से भिन्न भिन्न प्रकार के जो एलिमेंट दिए गए हैं इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। और भी हमारे इस में दिए गए हैं कैसे हमें निकालना, तो आप आराम से इस प्रकार से देख करके निकाल लीजिए। पहले आपको पंक्तियों को देखना है, फिर स्तंभ देखना है, जो एलिमेंट है वो आसानी से आपको निकल आएंगे। तो इसी प्रकार से जो पहला हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्यूशन,
अब देखिए आप सेकंड सॉल्यूशन, सॉल्यूशन नंबर सेकंड में आपको कैसे सॉल्व करना है, देखिए इसमें ये आपका सॉल्यूशन दिया गया, सॉल्यूशन नंबर सेकंड, इसको देखिए कैसे सॉल्व करना है। सॉल्यूशन नंबर सेकंड में क्या है, देखिए वो कह रहा है कि किसी आव्यूह में 24 अवयव है, मतलब कोई आव्यूह है, किसी आव्यूह में दिया गया हमारा कितने अवयव है, 24 अवयव, 24 अवयव हैं, तो इसके क्या निकालना, इसकी संभव कोटियां ज्ञात करो, संभव कोटियां ज्ञात करना है, कितनी इसकी संभव कोटियां होंगी, कोटियां ज्ञात कीजिए, ठीक है। इस प्रकार से हमें क्या करना है, इसको निकालना है, तो कोटियां हमें निकालने के लिए इसमें कुल अवयव, जैसे आप भी में इसमें कुल अवयव कितने थे हमारे जो दिए गया था, देखिए इसमें 12 अवयव थे, ठीक है, तो इसमें कितनी कोटियां बनेंगी, इसमें अलग अलग दिया था जो कोटियां 3x4 था इसका, लेकिन इसमें अभी हमारे कितने दिए गए हैं, 24 अवयव दिए गए हैं, तो 24 अवयव दिए गए हैं, तो इसमें अब देखो कैसे सॉल्व करने हैं, इसमें कोटियां संभव निकालेंगे, तो कोटियों की निकालने के लिए एक अच्छी जो ट्रिक होती है, सीधा आपको जो दिया गया है सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका गुणनखंड धरते कर लीजिए, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो हमारा अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, इसमें इसका 12 हो जाएगा, इसमें 2 से और डिवाइड करेंगे तो 6 हो जाएगा, फिर इसमें 2 से डिवाइड करेंगे 3, फिर इसमें 3 से डिवाइड, तो 24 के जी हमारे क्या हो गए, गुणनखंड हो गए, अभाज्य गुणनखंड। तो अब हमें इसमें संभव कोटियां कितनी आव्यूह बनेंगी वो ज्ञात करना है, तो इसमें लिखेंगे संभव कोटियां बराबर, सीधा सीधा आपको देखिए दिया गया है कितना हमारा, पहला हमारा दिया गया 1x4, पहला आपको ये लिखना है, मतलब फर्स्ट रो है और 24 क्या है कॉलम, एक इस प्रकार से हमारा एक आव्यूह बन सकता है, और कौन से बन सकते हैं, जस्ट इसका आपको उल्टा लिखना है, मतलब 24 रो हो जाएंगे और फर्स्ट कॉलम हो जाएंगे, बहुत आसान तरीके से बता रहा है, पहले आपको ये लिखना फिर इससे आपका उल्टा। अब देखिए अब 2 रो हो जाएंगी, मतलब ये 2 ले लिया और कितना है इसके साथ ये 12 लेना है, 2x12, मतलब आपका मल्टीप्लाई करने पर इन दोनों का 24 आना चाहिए इस प्रकार से, तो इधर पे 12 की, इधर पे 24 की जगह 12 लिखना है आपको, तो देखो 12 2 24 हो जाएगा, मतलब इसका मल्टीप्लाई करने पर 24 आए, मतलब अभी आपको टोटल 24 होना चाहिए। अब देखिए आगे इसमें ये दिया गया, इसके बाद आगे और लेना है, इसका जस्ट उल्टा लिख लीजिए, देखिए इसमें 12x24 इस प्रकार से हो जाएगा, 3x लिख सकते हम 8, 8 3 24, ठीक है, अब इसका उल्टा लिख दीजिए 8x3, ठीक है, इस प्रकार से और भी आप लिख सकते हैं, देखो 6x4 इस प्रकार से, और 4x6 ये दिएगा आएंगे, और भी आप बना सकते हैं, ज़्यादातर संभव हमारे जो आप व्यू के इतने दिए जाएंगे इस प्रकार से जी आपको बन जाएंगे, तो कितने हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारे कुल कितने इसकी संभव कोटियां के आप भी बन सकते हैं, 8 आप भी इस प्रकार से हम बना सकते हैं, ठीक है। तो और भी इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं कैसे हमें आपको सॉल्व करना है, देखिए इस प्रकार से जो सॉल्व कर सकते हैं हम, तो भिन्न भिन्न प्रकार से जी आपको सॉल्व करना है, इस टाइप से जो क्वेश्चन है, मतलब पूछता है केवल हमें क्या पूछता है कि आप व्यू की जो गुण निकालिए, कोटि निकालिए, इस प्रकार से हमें ये कोटि इस प्रकार से भिन्न भिन्न प्रकार से ज्ञात हो सकती है, ठीक है। तो इतना हो गया, ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन भी इसी प्रकार से है, सेकंड नंबर में क्या है आपका दिया गया, देखो इसमें 18 अवयव है, इसमें 18 अवयव है, तो इस प्रकार से इसकी संभव कोटियां ज्ञात करना है, और इसके साथ में भी एक क्वेश्चन और जुड़ा है, इसमें अगर यदि किसी आप व्यू में, यदि आप व्यू में कितनी है हमारी 13 अवयव है, किसी आप व्यू में 13 अवयव है, तो इसमें कितनी इसकी संभव कोटियां बन सकती है आप व्यू को, तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, 13 क्या है, एक अभाज्य संख्या स्वयं है, इसलिए इसकी कोई भी अभाज्य संख्या होगा जी आपको याद रखना है, इसके केवल दो ही कोटियां बनेंगी, एक जो सेम वाला 1 के साथ से मल्टीप्लाई, 1x13, और इसका जस्ट उल्टा 13x1, तो जी हमारा आंसर हो जाएगा। अगर अभाज्य संख्या तो केवल दो बनेगी, अगर कोई अभाज्य के अलावा कोई और संख्या तो उसके अभाज्य गुणनखंड करके हमें इस प्रकार से गुणा करना है कि इनका मल्टीप्लाई करने पर 24 आए, जितनी संभावित बनेंगी कोटियां उतनी आसानी से हम निकाल सकते हैं, तो इस प्रकार से जी हमारी कोटियां हो जाएंगी, इस प्रकार से सॉल्व करना है। और भी हमारा तीसरे क्वेश्चन में भी इसी प्रकार से दिया गया, वो आपको सॉल्व करना है, 18 उसमें है तो 18 की अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, इस प्रकार से सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए आप इसमें
जो अलग अलग हमारा दिया गया है। अब सॉल्यूशन नंबर, इसका फोर्थ नंबर हमें कैसे सॉल्व करना है वो देखिए। इसमें सॉल्यूशन नंबर फोर इसका सॉल्व करेंगे, देखेंगे। देखिए आप जी, आप क्वेश्चन नंबर फोर है तो इसमें क्या करना है जी, हमारा दिया गया एक सीक्वेंस दिया गया, एक अनुक्रम है जी, ए आई जे इक्वल आई प्लस टू जे का होल स्क्वायर अपॉन टू आप व्यू दिया गया है। इस आप व्यू का हमें क्या करना है, अवयव ज्ञात करना। वो कहेगा पहला ए वन वन निकालिए, ए वन टू ज्ञात कीजिए, इसी प्रकार से ए टू वन दिया गया है, ए टू टू है। तो देखो किस प्रकार से हम सॉल्व करना, आपको नियम बता दे रहे हैं, ऐसे आपको बहुत सिंपल है, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ए वन वन है तो वन का मतलब जो हमारा आई की वैल्यू है और जो जे की वैल्यू, तो जो सीक्वेंस इस प्रकार से परिभाषित है आई प्लस टू जे का होल स्क्वायर अपॉन टू जी, आपको क्या करना है इसमें वन वन रखना है, इसमें आई की जगह और वन की जगह। तो वन प्लस देखो टू इंटू वन, तो वन देखो आई की जगह वन इधर पे रखा और जे की जगह भी इधर पे वन रख दिया, टू इसके मल्टीप्लाई में और इसका होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर अपॉन टू। तो इस प्रकार से सॉल्व होता जाएगा। अब देखिए आगे कैसे सॉल्व करेंगे इसको, इसमें टू वन जा टू, तो वन प्लस टू अपॉन टू इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, इसका थ्री, थ्री का स्क्वायर अपॉन टू, इसका कितना आएगा नाइन अपॉन टू। तो इस प्रकार से देखो ए वन वन की वैल्यू जी आ गई हमारी, ये आंसर ये हो गया। ठीक है, अब हमें इधर पे सेकंड नंबर क्वेश्चन है, इसको निकालना है, इसको फाइंड करना है। तो इसके लिए क्या है, ए वन जो हमारा दिया गया है, अब वाई की जगह वन और जे की जगह हम आपको टू रखना है वन की जगह। तो देखिए ये वन प्लस टू इंटू टू अपॉन टू ये हो जाएगा, इसका क्या है होल स्क्वायर इक्वल। अब देखिए आगे वन प्लस इधर पे क्या हो जाएगा, टू टू या फोर अपॉन टू इसका होल स्क्वायर, तो इधर पे फाइव अपॉन टू इसका स्क्वायर, तो फाइव फाइव या 25 अपॉन टू, इस प्रकार से जी आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से जी भिन्न भिन्न प्रकार से आपके क्वेश्चन और सॉल्व इसी प्रकार से करना। ठीक है, तो इस प्रकार से जी क्वेश्चन, तो देखिए आप ये क्वेश्चन नंबर अब नेक्स्ट है इसका, सॉल्यूशन नंबर फाइव हम आपको बता रहे हैं। इसमें क्या दिया गया, एक थ्री इंटू फोर आप की रचना करना है, जिसकी अवयव हमें क्या है निम्न प्रकार से दिए गए हैं। ठीक है, अब जो दिया गया इस प्रकार से हमारा ये अनुक्रम परिभाषित है, ए आई जे इक्वल टू वन अपॉन टू माइनस आई प्लस जे, और जे हमारा क्या लगा इसमें मॉड लगा। तो इसमें क्या करना है, इसको हमें ज्ञात करना है, तीन गुणा चार कोटि का आव्यूह बनाना है इससे। लेकिन इसमें क्या दिया गया, देखो तीन जी हमारी क्या पंक्तियों की संख्या और चार दी गई है स्तंभों की संख्या। तो इस प्रकार से हमें बनाना है जी इस कोटि का आव्यूह। तो इसके लिए क्या करेंगे हम आपको एक आप व्यू डायरेक्ट सीधा बता दे रहा है इसमें, तो इसमें आप वैल्यू बस रखना है। तो इसमें देखिए इस प्रकार से हम कौन कौन की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे वो बता रहे हैं। माना ए इक्वल टू हमें जी आप व्यू दिया गया, इसमें मान लीजिए आपको लिखना है, देखो थ्री रो लिखना है, फोर क्या लिखना है कॉलम लिखना है। तो किस प्रकार से जी हमारा ए वन वन, वन वन का मतलब जी फर्स्ट रो का है और फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट है। इस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट कर दिया, हमने आपको बनवाया इसके पहले वीडियो में, देख सकते हैं आप। ए वन वन, ए वन टू है देखिए, ए वन थ्री, तो कहाँ तक जाना है, कितने है उसमें हमारे चार हैं, तो आगे एक और एलिमेंट आ जाएगा ए वन फोर। तो मतलब फर्स्ट रो में वन टू थ्री फोर कॉलम हो गया। अब सेकंड रो ऐसे स्टार्ट करना है, ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री, ए टू फोर जी आ जाएगा आपका। और लास्ट है हमारा ए थ्री वन, ठीक है, ए थ्री टू और ए थ्री थ्री और ए थ्री फोर। तो जे आपके दिए गए, हमें आपको इतने अवयव क्या करना है आपको ज्ञात करना है। तो इन सब के वैल्यू फाइंड करना है, मतलब इसमें ये कितने हैं हमारे, थ्री हमारे देखिए ये रो है और फोर क्या है कॉलम, मतलब इसके अंदर 12 एलिमेंट है, 12 एलिमेंट है। तो इनको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए इनकी वैल्यू निकालना पड़ेगी और वैल्यू इसी में रखना पड़ेगी आप व्यू में सबकी, तब हमारा जे अवयव क्या होगा पूरा प्राप्त होगा। तो देखिए किस प्रकार से हम वैल्यू, एक तो आपको हम लगा दे रहे हैं सॉल्व बता दे रहा, तो आपको ऐसे ही सॉल्व करते जाना है। ठीक है, जैसे हम आपका पहला एलिमेंट लें ए वन वन, तो इसमें आपको आई की जगह वन सब्सटीट्यूट करना है और जे की जगह भी वन सब्सटीट्यूट करना है रखना है। तो देखिए वन अपॉन टू और आई की जगह इधर वन रखिए माइनस वन और जे की जगह ही वन रखिए माइनस वन। तो देखो ये प्लस वन से माइनस वन कैंसिल हो जाएगा और इधर पे वन अपॉन टू इंटू जीरो इक्वल टू जीरो, मतलब ए वन वन जो एलिमेंट मिला हमारा पहला क्या मिला हमें जीरो मिला इस प्रकार से। ठीक है, जो दिया गया है इसमें एलिमेंट, अब देखिए आपको जो सॉल्व करना है इसमें, इसमें थोड़ी मिस्टेक हुई आपको सुधार लेना थोड़ी देर पे, क्या है आपका थ्री है इधर पे आई की मल्टीप्लाई में क्वेश्चन में। ठीक है,
थ्री मल्टीप्लाई में है, तो इसमें जो क्वेश्चन में आपका इसमें मल्टीप्लाई में थ्री था, आएगी मल्टीप्लाई में। अब देखिए हमने आपको थ्री कर दिया, अब देखिए इसका सॉल्यूशन थोड़ी चेंज हो जाएगा, -3 × 1, ठीक है। तो -3 और +1, +1 तो क्या आएगा इसका, माइनस का 2 आएगा आपका मॉड के अंदर, माइनस का 2 ये मॉड के अंदर आ गया, ठीक है। मॉड से बाहर निकालेंगे आप कोई भी नंबर, इसमें मॉड से बाहर निकालने के बाद आपका क्या आएगा, देखिए प्लस का 2/2 ये आपका कट जाएगा 1। तो इस प्रकार से ये पहला एलिमेंट क्या आएगा आपका, 1 आएगा इस प्रकार से। अब देखिए इसके बाद सेकंड हमें फाइंड करना है ए, इस प्रकार से आपको एक ही लाइन में सॉल्व करना है, 1 2, इसमें भी सॉल्व कर दीजिए, 1/2 मॉड -3 × 1 और +2 ये आपका रख दिया। अब देखो 1/2, 3 1 जा 3, -3 + 2, अब देखिए क्या आएगा, 1/2 मॉड के अंदर -1, तो बाहर निकालेंगे तो +1 आ जाएगा, इसका भी आपका +1 आ जाएगा। अब देखिए ये नेक्स्ट आपका अगला क्या है सॉल्व करना है, इसके लिए क्या करना है, देखिए आपको सॉल्व करने के लिए अब आपका सेकंड एलिमेंट 1 3 इधर पे रखिए, तो इस प्रकार से आपको रखते ही जाना है, आगे सॉल्व करते ही जाना है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा दिया गया है 1/2 -3 × 1 और +3, ये आप रखेंगे जे की जगह, तो 1/2 इधर पे क्या आएगा, -3, इधर +3 ये कट जाएगा आपका, इधर पे क्या आएगा, 1/2 × 0 = 0। इस प्रकार से हमें ये एलिमेंट क्या होते जा रहे हैं आपके, मिलते जा रहे हैं, ठीक है, ये सॉल्व होते जा रहे हैं। अब इसमें जी माइनस का 1 था, प्लस का इधर पे 1/2 और आपको लिखना है, ठीक है, ये 0 आ जाएगा। अब देखिए इसी प्रकार से 1/4, तो इसमें 1 रखेंगे इधर पे, -3 × 1 और +4, ठीक है, तो इसमें 1/2 माइनस का इधर पे 3 आएगा और +4, इसमें बाहर निकालेंगे इसका 1/2, इसमें 2 × मॉड के अंदर क्या आएगा आपका 1, तो इसमें 1/2 ही आएगा। तो इस प्रकार से आप एलिमेंट लगते जाएंगे, सब पूरे 12 एलिमेंट आपको निकालना है, ठीक है। 12 एलिमेंट निकालने के बाद इसमें आपको फिर से सॉल्व करके रखना दिया गया है, तो अब इसमें इसी प्रकार से सॉल्व करना है आपको और क्वेश्चन, तो आगे रखने के बाद अब आप आसानी से हल कर सकते हैं। ये वैल्यू इधर पे रखेंगे 1/2 0/2, ये हो गया एक, हमने एक रो के आपके एलिमेंट पूरे निकाल दिए। अब सेकंड रो के आपको निकालना है, आई की जगह 2 रखना है इसका और जे की जगह 1 रखना है, ऐसे 2 2 2 3 2 4 एलिमेंट 12 आपको पूरे निकालना है। तो आपका ये होमवर्क में आपको अखंड के सीधा आपको सॉल्व कर लेना है। और आगे देखिए नेक्स्ट टाइप का हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है, जो दी एक्सरसाइज, इसमें सॉल्यूशन नंबर 6 दिया गया है, तो इसका देखिए सॉल्यूशन नंबर हमारा क्या दिया गया 6 में, ठीक है। सॉल्यूशन नंबर 6 में आपका फर्स्ट क्वेश्चन है जी, दो क्वेश्चन आपको दिए गए इसमें, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको देखो कैसे सॉल्व करना जी, हमारा दिया गया 4,3 x,5 = y, z और 1 और 5 दिया गया। अब इसमें क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है, हमने आपको नियम लिखवा है, अगर दो अवयव समान है, इक्वल है जी, तो इनके संगत अवयव क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो देखो संगत अवयव की तुलना करनी है आपकी, संगत अवयवों की तुलना करने पर, ठीक है, तो इसकी तुलना करेंगे इसमें, तो कैसे तुलना करेंगे, देखिए जो हमारा इसका जो a11 है, ये a11 इसके इक्वल हो जाएगा, जो a12 है तो ये 1 2 के इक्वल, और जो हमारा 2 1 है ये 2 1 के, और ये देखो आपको पहले से ही इक्वल, जो क्योंकि ये एक निश्चित संख्या है, इसमें वेरिएबल नहीं, चर राशि, तो 5 5 के इक्वल हो जाएगा। तुलना करेंगे, ठीक है, तो तुलना करने पर आपको सीधा एक्स वाई जेड की वैल्यू निकल आएगी। देखिए वाई की वैल्यू क्या आएगी आपकी 4, इस प्रकार से जेड की वैल्यू क्या आएगी 3, और ये एक्स की वैल्यू क्या आएगी 1, ठीक है। इस प्रकार से जो हमारा क्रम से रखेंगे, इसका आंसर x = 1, y = 4 और z = 3, तो इस प्रकार से जी हमारे को हो जाएगा इसका आंसर आ जाएगा, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। इस प्रकार से मतलब इसमें अभी आपकी तुलना करना, तुलना करके मान ज्ञात करना है, समीकरण बनेंगे तो आसानी से समीकरण हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसी प्रकार से जो दिया गया क्वेश्चन है, इसके जो और क्वेश्चन है ऐसे ही आपको तुलना करके ज्ञात करना है, 2 3 क्वेश्चन दिए गए और इसमें एक्सरसाइज में इसी प्रकार से तुलना कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें जो दिया गया है एमसीक्यू का क्वेश्चन है, इसमें सॉल्यूशन नंबर 8,
इसका 8 कैसे है, मैं कैसे सॉल्व करना है ये देखिए। तो 8 में क्या दिया गया देखो, इसके लिए आपका जी आप व्यू दिया गया a इक्वल टू। तो देखिए आप आगे क्वेश्चन नंबर 6 के बाद आपका 7 भी इसी प्रकार से आपको तुलना करके एक्स वाई जेड के मान निकालना है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर, इसमें जो मोस्ट विकल्प है एमसीक्यू वो आपको बता रहे हैं, क्योंकि एमसीक्यू तो हर आपको आप भी सारे कोई भी एक्स मतलब टॉपिक हो उस टॉपिक के आपको विकल्प तो करना ही है पूरे सॉल्व, ठीक है, क्योंकि ये विकल्प आते ही है, इंपॉर्टेंट विकल्प है। तो देखिए इसमें विकल्प दिया गया है कि a इक्वल टू aij, जिसका मतलब समझना है कि आई का मतलब जो पंक्तियों की संख्या, जो स्तंभों की संख्या, ठीक है, जैसे आपको ऊपर दिया गया था क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में कराया था। और इसका m इंटू n एक वर्ग आव्यूह है, ठीक है। तो हमने बताना है कि वर्ग आव्यूह कब होगा, जब इसमें वो कह रहा है कि n की वैल्यू ग्रेटर है m से, m की वैल्यू ग्रेटर है n से, या m इक्वल n, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, ठीक है। तो इस प्रकार से जी विकल्प में हमें चेक करना है कि जिसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसके लिए हमने आपको वर्ग आव्यूह के वीडियोस के पहले में परिभाषा लिखाई थी, वो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख सकते हैं। तब देखिए इस वर्ग आव्यूह की परिभाषा आपको दोबारा ही बता दे रहा है कि ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है, मतलब जो पंक्ति है और स्तंभ इनकी संख्या क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तो ऐसे आव्यूह को वर्ग आव्यूह कहते हैं। तो इस ऑप्शन में देखो जहां पे जे और दोनों क्या दिए गए हो, बराबर दिए गए हो, वही ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। तो देखिए इसमें तो ग्रेटर है, इसमें ग्रेटर दिया गया एम, इसमें एन ग्रेटर है, जी इसमें दिया गया इक्वल है, तो इसमें पंक्ति स्तंभों की संख्या इसमें इक्वल है। तो इस प्रकार से जी आपको ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको सीधा आपको परिभाषा से ही आपको जो ऑप्शन सॉल्व हो गया। अब देखिए आपका जो सेकंड और इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है वो मतलब दिया गया है 10 नंबर है। तो इसमें क्या करना है, इसमें देखिए आप कि जिस इस मान दिए गए हैं तो 3 इंटू 3 को डी के ऐसी आप व्यू की कुल कितनी संख्या होगी जिसमें प्रत्येक प्रविष्टि में 0 व 1 हो, मतलब हमें 3 × 3 कोटि का ऐसे कितने आप व्यू बन सकते हैं, जिसमें प्रविष्टि का मतलब ये होता है उसके अंदर जो अवयव हो वो 0 हो या 1 हो, मतलब ऐसे आप भी कितने ऐसे बन सकते वो आपको निकालना है इस विकल्प में। कि वो कह रहा 27 18 81 512, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें दिया गया है, तो कैसे हम इसके लिए क्या होता है, एक फार्मूला होता है, जितनी आपकी जो प्रविष्टि है इसमें प्रविष्टि कितनी दी गई है, 0 1, केवल 2 एलिमेंट है प्रविष्टि में। इसका फार्मूला होता है आपका 2 की पावर n, इससे आपको प्रविष्टियों की संख्या निकल के आ जाएगी। जहां पे जो n दिया गया है, 2 क्या है इसमें प्रविष्टि का काम करेगा, तो 0 1 के एलिमेंट का लेकर चलेगा, और आपको n क्या है जितनी कोटि का आपका आव्यूह है, तो इतनी कोटि का आव्यूह है 3 × 3 कोटि का आव्यूह है। तो इसको देखो सॉल्व करेंगे, 2 की पावर कितना आएगा इसमें, 3 × 3 9, और 2 की पावर 9 मतलब 2 का मल्टीप्लाई 9 बार करना है, तो आपका कितना आएगा, 500 बार आएगा। तो इस प्रकार से जी आपका 500 बार आज दिया गया ये आंसर है। तो इसमें देखो ऑप्शन में एमसीक्यू लास्ट वाला डी ऑप्शन आपका क्या है, ये सही है। तो इस प्रकार से जी आपकी एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज थी, हमें आपको कैसे क्वेश्चन कराने थे वो आपको हमने करा दिए हैं, जो मोस्ट मोस्ट क्वेश्चन थे वो आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे, और यही पे ज्यादातर एग्जाम में आते हैं, तो इसलिए हम आपको ये आसानी से सॉल्व करा दिया, और आशा है आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगले वीडियो में आपको कल नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी एक्सरसाइज 2.3.2 हो गई, तब तक के लिए आप जी आप रिविजन करिए, धन्यवाद।